अमित मालवीय, एक ऐसा नाम जो आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। आज चुनाव आयोग ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों की घोषणा की। मई में विधानसभा चुनाव होने हैं कर्नाटक में, लेकिन चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये बता दिया कि 12 मई 2018 को कर्नाटक में मतदान होगा और उसके बाद 18 मई 2018 को उसके नतीजे आएंगे। कौन है अमित मालवीय और इन्हें कैसे मिली पहले से जानकारी? गौरव है मेरे साथ। गौरव, अमित मालवीय के बारे में हम पहले भी लगातार सुनते आए हैं, कौन है ये शख्स और इन्हें मतलब ये इतने सोशल मीडिया पर ये चर्चा में क्यों बने रहते हैं हमेशा? देखिए, अमित मालवीय एक जाना माना नाम है बीजेपी का और इनके अगर इतिहास की बात करें, वैसे तो ये इस समय बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, चीफ हैं। इनके अगर इतिहास की बात करें, इनके स्कूलिंग की बात करें, तो सबसे पहले इन्होंने बीबीएम का कोर्स किया था आगरा से सन 2000 में, बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। उसके बाद फिर सन 2001 में इन्होंने पुणे से पीजीडीएम का कोर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएट का। फिर 2001 में इन्हें आईसीआईसीआई बैंक में एज अ असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिला। उसके बाद फिर 2 साल बाद इन्होंने एचएसबीसी बैंक में एज अ वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन किया। फिर वहाँ से 7 साल काम करने के बाद 2010 में बैंक ऑफ अमेरिका में ये वाइस प्रेसिडेंट बने, काफ़ी बड़ा पद होता है ये। उसके बाद फिर वहाँ पे 3 साल काम करने के बाद ये दिल्ली आ गए और इनका शुरुआत से मन था कि ये भाजपा से जुड़े और ये जुड़े। और फिर 2015 में जब भाजपा के जो इसके पहले आईटी सेल के जो चीफ थे उन्होंने रिज़ाइन किया और फिर बीजेपी ने इन्हें एज ए चीफ रख लिया। और इनके आने के बाद बीजेपी का जो सोशल मीडिया विंग है, जो पूरा आईटी उसका सेल है, काफ़ी मजबूत हुआ है और उसकी पकड़ यूथ में इस टाइम काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल गौरव, आपने जैसा अभी बताया कि इनकी मतलब बीजेपी आईटी सेल में आने के बाद से बीजेपी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर काफ़ी मजबूत हुई है और वो दिखता भी है। जब हम सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर या बाकी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन, बीजेपी हमें हमेशा दिखती है। अगर मैं इसकी बात करूँ इनके काम को लेकर, इनका काम जो है लगातार विवादों में रहा है, मैं चर्चा में रहा है तो बोलूंगा ही विवादों में भी रहा है, क्योंकि ये फेक न्यूज़ के भी इन पर आरोप लगे। ये फेक न्यूज़ प्रोपगेट करवाते हैं ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ऐसा इन पर आरोप हमेशा लगते रहे, उसमें कितनी सच्चाई है? जी, इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा, जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस समय बीजेपी को जीतने के लिए अपना सोशल मीडिया का जो एरिया है वो मजबूत करना बहुत ज़रूरी था, जो कि बीजेपी ने मजबूत भी किया। फिर उसके बाद जब 2015 में उनके चीफ छोड़ के चले गए और ये ज्वाइन किए, तो उस समय तैयारी थी 2019 की, तभी से तैयारी शुरू हो चुकी थी। और 2019 में इनको पूरा जो चुनाव का एक प्रोपेगेंडा था वो सोशल मीडिया से ही बीजेपी को तैयार करना था। तो इन्होंने इस कदर सोशल मीडिया को मजबूत किया है अपने भारतीय जनता पार्टी के, कि यूट्यूब से लेके, फेसबुक से लेके, ट्विटर से लेके इतने पेजेस, इतने चैनल्स और इतने ट्विटर हैंडल्स हैं कि जिसकी गिनती नहीं है कोई। काफ़ी फेसबुक पेजेस हैं जो हैंडल करते हैं। बीजेपी ये शो करती है कि ये पेजेस किसी कोई रैंडम इंसान यूज़ करता है, कोई ऐसे कोई नॉर्मल व्यक्ति यूज़ करता है, लेकिन ये सब बीजेपी रनिंग पेजेस हैं और इसके जरिए यूथ में एक इम्पैक्ट बना जाता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो मजबूर हो वोट देने के लिए और बीजेपी को फॉलो करें, बीजेपी को फॉलो करने के लिए मजबूर हो। यह आपने बात कही, लेकिन एक चीज़ और है, चुनाव आयोग के लिए भी कहीं अमित मालवीय जो है वो चुनौती तो नहीं बन रहे? क्योंकि ये जैसे ही ये मामला सामने आया, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे और ये बहुत ही मतलब गंभीर मामला है, क्योंकि चुनाव आयोग से गोपनीय जानकारी लीक होना अपने आप में बड़ी बात है। तो चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की वो पूरी गंभीरता से जांच करेंगे। इनके पास जो तारीखें पहुंची और इसके बाद इनके ऊपर जो पहले भी तमाम आरोप लगते रहे, उसके बाद एक मामला अभी उसी से डेटा लीक से ही जुड़ा हुआ चल रहा है, आपको पता ही होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक का जो मैटर है उसकी जो शेडो है वो चुनाव आयोग तक भी आई, तो इन सब को देखते हुए आपको लगता है कि चुनाव आयोग के सामने भी एक चुनौती बनी हुई है अपने डेटा बेस को मजबूत करने की? जी, चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी जस्ट 2-3 दिन से ये चल रहा है डेटा लीक का मामला। बीजेपी कांग्रेस को बोल रही है, कांग्रेस बीजेपी को बोल रही है, और इस बीच अब चुनाव आयोग बीच में आ चुका है और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्योंकि जब इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन की जो डेटाज है या जो इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो सकती है, अब इसके दो पहलू हैं, या तो जो एक टीवी चैनल ने जो प्रेडिक्ट कल बोला था शाम को कि इतने तारीख को चुनाव होगा, या अमित मालवीय जी ने बोला है कि इतने तारीख को चुनाव होगा,
या तो दो पहलू, या तो एक ये तुक्का मारे हैं, या दूसरा कि सच में किसी इलेक्शन कमीशन के आदमी ने या किसी और थर्ड पार्टी से इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन बात यह है कि इसको चुनाव आयोग हैंडल कैसे करेगा, उसको एक पूरी जांच टीम बिठानी पड़ेगी और इसके तहत तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे समय रहते हुए तो ये कर्नाटक का जो इलेक्शन होने वाला है इसके रिजल्ट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, किसी एक के फेवर में बहुत ज़्यादा ये जा सकता है। तो बिल्कुल जैसा कि गौरव ने बताया, लगातार चुनाव आयोग पर पिछले 2-2.5 साल के दौरान ईवीएम को लेकर आरोप लगते रहे, उसके बाद फिर गुजरात चुनाव में हमने देखा, यूपी के चुनावों में देखा, तमाम ईवीएम को लेकर आरोप लगते रहे, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने भी पक्षपात का आरोप लगाया, उसके बाद फिर अब ये मामला जो सामने आया है ये फिर एक इलेक्शन कमीशन के सामने चुनौती है और इससे कैसे निपटेगा इलेक्शन कमीशन ये देखने वाली बात होगी। अमित मालवीय और चुनाव आयोग से लेकर कर्नाटक चुनाव और बाकी तमाम बड़ी खबरों पर हम लगातार बने हुए हैं। बने रहिए लोकमत न्यूज़.in के साथ।